हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्ज़ाम के लिए वर्ष 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम टेस्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और आज हमारा यह टेस्ट नंबर 20 है। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 19 तक को कवर कर लिया था। तो जिन दोस्तों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 19 तक के वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के जो लास्ट क्वेश्चन है उनमें हमने बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स को शामिल किया है, तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारतीय मूल की जसविंदर बिल्लन को हिमालय की पृष्ठभूमि पर आधारित उनके पहले उपन्यास के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा जमीन से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल सिस्टम का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। तो फ्रेंड्स, जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं वे जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये कौन सा मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया गया है, ये किया गया है QRSAM। इसका पुराना फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न कि ब्रेक द चैन या फिर वायरस की कड़ी तोड़ो नामक जनसंचार अभियान निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है। तो यूनिसेफ ने ब्रेक द चैन या फिर वायरस की कड़ी तोड़ो यह जो जनसंचार अभियान है हिंदुस्तान यूनिरीवर लिमिटेड यानी कि HUL के साथ मिलकर के शुरू किया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना जो है 1933 में हुई थी और इसके जो प्रेजेंट में CEO हैं उनका नाम याद रखिएगा संजीव मेहता हैं। कौन है? संजीव मेहता हैं। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदल करके लोक सेवा भवन रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदल करके लोक सेवा भवन रखा है? तो ये रखा है उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। बात उड़ीसा की करते हैं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपने पहले उपन्यास द फार फील्ड के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य का JCB पुरस्कार द फार फील्ड पुस्तक के उपन्यास के लिए। तो याद रखिएगा ये जो उपन्यास है द फार फील्ड ये लिखी गई है माधुरी विजय के द्वारा और इन्हीं के लिए इनको JCB पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। तो ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यह पुस्तक जो है यह है शशि थरूर की। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष कोरोना वायरस में जो है कोरोना वायरस के कारण यहाँ इसको हटा दीजिए कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया है। यह अवार्ड फाउंडेशन कहाँ स्थित है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी और यह पुरस्कार फिलीपींस के दिवंगत राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का प्रमुख पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और 1958 में पहला बार यह जो पुरस्कार दिया गया था विनोबा भावे को प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। और 2019 का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो भारत के रविश कुमार को दिया गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीला फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर कर लिया था। कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर किया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को वो देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जो है राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में किया जाएगा। किस शैली में किया जाएगा? नागर शैली में, याद रखिएगा। और इस मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप राम सुतार देख रहे हैं, इन्होंने जो सरदार पटेल की मूर्ति है उसका नाम क्या है, उसका नाम बताइएगा आप कमेंट करके, ठीक है? क्या नाम है मैं ही बता देता हूँ,
स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, इसका उन्होंने, इसके जो है ये वास्तुकार हैं राम सुतार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए कितने राशि की मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए केंद्र सरकार ने 1517.57 करोड़ की राशि की मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में भारत ने कितने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, रक्षा उत्पादन में देशीयकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन रक्षा उत्पादों का निर्माण जो है घरेलू स्तर पर किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी 101। अगर बात करें वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में किस अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। तो यह दूसरा मौका है जब अफ्रीका को पूरी तरह से किसी वायरस से मुक्त किया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, किस महादेश को पोलियो मुक्त घोषित किया है हाल ही में, तो अफ्रीका महादेश को, ठीक है। और आखिरी बार जो है पोलियो अफ्रीका में देखने को मिला था 2016 में नाइजीरिया में, ठीक है। और दो सालों से जो है, ये चार सालों से, 16 से लेकर के अब तक नाइजीरिया में कोई भी मामला नहीं आया है पोलियो से। इसीलिए WHO ने नाइजीरिया को और साथ ही साथ पूरे अफ्रीका महादेश को जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। और यह दूसरा मौका है कि किसी वायरस से अफ्रीका को मुक्त किया गया है। पहली बार जो है इसको मुक्त किससे किया गया था, चेचक से, ठीक है, चेचक से मुक्त किया गया है अफ्रीका को। और भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, 2014 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर की, हाल ही में IMD यानी कि IMD का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत के कितने शहर शामिल हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत के जो टोटल कितने शहर शामिल हैं, 4 शहर शामिल हैं, ठीक है। ये कौन कौन से शहर हैं, तो हैदराबाद है, उसका स्थान 85 है। उसके बाद बात करते हैं तो नई दिल्ली है, उसका स्थान 86 है। उसके बाद मुंबई है, इसका स्थान जो है 93 है। और बेंगलोर जो है, उसका स्थान जो है वो 95 है। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन सा शहर है, तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर हेलसिंकी है, और तीसरे स्थान पर जो है वो ज्यूरिच है। और ज्यूरिच कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड का यह जो है आर्थिक राजधानी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर की, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इम्पॉर्टेंट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो देखिए, यह जो है इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है, सबसे पहले तो आपको जो इंडेक्स जारी किया जाता है उसके जारीकर्ता का नाम याद रखना है। तो इसको जारी करता है सर्फ सार्क, ठीक है, सर्फ सार्क एक संस्था है, वो जारी करता है, ठीक है। अगर बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर कनाडा है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। भारत का स्थान जो है वो 57 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर की, हाल ही में किस देश ने काले सागर के तट पर बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। तो यह घोषणा जो किया है, ये किया है तुर्की। तुर्की कहाँ है, तो तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसका कुछ हिस्सा जो है यूरोप में है और कुछ हिस्सा जो है एशिया में है, इसीलिए इसको यूरेशिया में स्थित एक देश कहा जाता है। और इसकी राजधानी जो है वो है अंकारा। कहाँ है इसकी राजधानी, याद रखिएगा, इसकी राजधानी जो है वो है अंकारा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर कि हाल ही में यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने प्रतिशत स्कूलों में साफ सफाई की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि 43% जो स्कूल हैं वहाँ जो है प्राइमरी यानी कि बुनियादी साफ सफाई की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर कि हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, का सफल परीक्षण किया है। तो एरो 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इसराइल ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, इसराइल ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सभी परीक्षालाओं के लिए कर्तव्यों के चार्टर की समीक्षा हेतु 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर V.रामगोपाल राव। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, 18 नंबर की, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक के जो प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं
वो कौन है? अश्विनी भाटिया है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ बात करते हैं हम SN राजेश्वरी की, तो यह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं दिनेश कुमार खारा की, तो ये अगले भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन होंगे, ये जो होंगे रजनीश कुमार का स्थान ग्रहण करेंगे। शशिधर जगदीशन की बात करते हैं, तो शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। 19 नंबर देखिएगा कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा कोरमो जॉब ऐप्स जो है लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने रोजगार चाहने वाले और नौकरी ढूंढने वाले और उनके पदे के आवेदन की मदद करने के लिए गूगल ने भारत में कोरमो जॉब ऐप्स लॉन्च किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल। और वर्तमान में गूगल के CEO कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए 20 नंबर देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा जो है शुरू की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और इस योजना के तहत स्थानीय संस्थानों के द्वारा राज्य के 213 शहरों में 358 रसोई घर शुरू किए गए हैं, जहाँ दोपहर और रात का खाना सिर्फ ₹8 में दिया जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर की, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की गई है हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ये नाम याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है, आपको बताना है। तो थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया है मिजोरम में, ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिएगा कि स्पोर्ट्स आई वियर, ठीक है, स्पोर्ट्स आई वियर अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखा जाएगा, आई वियर ब्रांड ओकले ने किसे भारत में 2 साल की अवधि के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ओकले ने भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को जो है नियुक्त किया है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा कि 2022 में T20 पुरुष विश्व कप 2020 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये 2020 वाला आयोजन जो है 2022 में कहाँ किया जाएगा, तो ये आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर की, मधुरिका सुहास पाटकर को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, यह किस खेल से संबंधित है? मधुरिका सुहास पाटकर, तो ये संबंधित हैं टेबल टेनिस से, और मनिका बत्रा भी टेबल टेनिस से ही संबंधित हैं। इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है मनिका बत्रा को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म और फिक्शन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यह पुस्तक जो है अरुंधति रॉय की है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर देखिएगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश का सबसे लंबा सड़क पुल बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसका निर्माण जो है मधुबनी जिले के भेजा से सुपौल के बकौर तक होना है। इसकी लंबाई जो होगी वह 13.2 किलोमीटर तक होगी और इसमें कुल 171 पिलर होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये कहाँ से, मधुबनी से कहाँ तक, सुपौल के भेजा तक, बकौर तक, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुबनी। अगर सुपौल भी रहे तो सुपौल भी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर कि बिहार में कितने वर्ष या उससे अधिक के अनुपयोगी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सभी विभागों के द्वारा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है और इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर रेगुलर आपकी एग्जाम तक मिलते रहेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो देखिए बिहार में जो है 50 वर्ष से जो अधिक आयु के हैं या 50 वर्ष तक के हैं उनको जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया है, जो अनुपयोगी कर्मचारी हैं। कहने का मतलब है कि जो अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं उनको जो है सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस जानवर की संख्या के मामले में पटना चिड़ियाघर विश्व का नंबर 1 चिड़ियाघर बन गया है? तो पटना में जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है। और ये जो है गैंडा की संख्या में इसमें जो है
वृद्धि हुई है और इसी के साथ यह पटना चिड़ियाघर जो है गैंडा के मामले में विश्व भारत का नंबर वन चिड़ियाघर बन गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा पीडीएफ आपको मैं एक ही बार में दे दीजिएगा, आप टेंशन फ्री रहिएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।